क्रेजी मेथड स्टडी फैमिली से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट करें, ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज के वीडियो कुछ खास होने वाला है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें, तो डायरेक्ट सिलेबस से पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें जितना ज़रूरत है। तो मैकेनिकल में टोटल 15 से 16 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक भी है वो भी पढ़ना है, वो भी बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कमेंट किए हैं हमारे कुलदीप सिंह, एक भाई हैं जो कमेंट किए हैं कि सर और ज़्यादा वीडियो बनाओ। तो इनका रिलेटेड क्वेश्चन किससे था, तो IOCL क्वेश्चन पेपर थे। तो बिल्कुल भाई आप चिंता मत कीजिए कुलदीप भाई, और वीडियो ज़रूर आएगी। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और कमेंट आया था, संकेत नाइक सर हैं, इनका कमेंट आया था कि बताइए कि कौन कौन पेपर को मैकेनिकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए भाई आपका जवाब तो इसी वीडियो में मिल जा रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और दो कमेंट आए हैं, एक हैं हमारे मिक्स सॉन्ग कोई हैं, वो बोले हैं कि IOCL क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आता है क्या। तो बिल्कुल भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और कमेंट आया है अरविंद प्रजापति, एक भाई हैं उनका, वो बोलते हैं NPCIL का इंटरव्यू कब होगा, वो इंटरव्यू के बारे में जानना चाह रहे थे। तो भाई बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इंटरव्यू या तो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आप अपना तैयारी जारी रखिए, और इससे रिलेटेड कोई आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि पूरा पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, पूरा पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ टॉप 8 सब्जेक्ट को पढ़िए, और सम टॉपिक मतलब कुछ और 2-4 टॉपिक पढ़ लीजिए, और उसी में आपका 90% नंबर सिक्योर हो जाएगा। आपको कितना लाना है, 90% नंबर के लिए पढ़ाई करना है। 100% तो कितना भी कर लीजिए संभव नहीं है, तो 90% आपको इतनी आसानी से मिल जा रहा है कि 8 सब्जेक्ट और कुछ टॉपिक पढ़ने से मिल जा रहा है, तो आप 100% के पीछे क्यों पढ़े हैं। और जबकि आपके एग्ज़ाम में 85% लाइएगा, तो मैं लिख के दे देता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई कट ऑफ जाता ही नहीं है, 85% में आपका जॉब हो जाएगा। तो चलिए, और जो टॉपिक मैंने दिया है टॉपिक वाइज भी मैं वीडियो ला दूंगा कि कौन सा टॉपिक और कहां से पढ़ना है, वो भी मैं बता दूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और वहीं से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और यहीं पर देख लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियर में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ 8 टॉपिक, इसी से क्वेश्चन पेपर में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इनसे बाहर तो आते ही नहीं है। 2-4 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो उसके लिए कुछ टॉपिक भी लिख लिया हूँ मैं, तो चलिए उसको भी बता दूंगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, मशीन डिज़ाइन, मेट्रोलॉजी, ये तो कोर सब्जेक्ट है आज के दौर का, मतलब इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसी के साथ साथ फ्लूइड मशीनरी एंड मैकेनिक्स, और थर्मोडाइनेमिक्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, मशीन डिज़ाइन और मेट्रोलॉजी के साथ साथ मटेरियल साइंस भी आप पढ़ लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये 8 टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लीजिए, और प्लस में 1-2 टॉपिक और कौन कौन सा है वो भी देख लीजिए। टॉम में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, गवर्नर पढ़ लीजिए, गियर एंड बेल्ट ड्राइव पढ़ लीजिए, वो आता है, इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो हायर पेयर, लोअर पेयर कौन है वो आता है, ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। और RAC में आप इफ़िशियंसी एंड COP पढ़ लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर का, हीट पंप का। और इसी के साथ साथ IC इंजन में आप थोड़ा सा साइकिल के बारे में देख लीजिएगा, कौन सा साइकिल, मतलब ज़्यादा कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ये 3 बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और IC इंजन में तो ये देख लीजिएगा, IC इंजन में, और पावर प्लांट में खाली रेनकाइन साइकिल देख लीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जाना है डीप में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये सवाल आता है कि ये सब टॉपिक हम पढ़ें कहाँ से भाई, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। RS खुरमी, RK जैन की 2 बुक आती है, ये दोनों ले लीजिए,
और यही 8 टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं, थियोरेटिकल भी रहते हैं, उसमें कुछ थियोरी भी लिखे रहते हैं, तो इस उसका थियोरी पढ़ लीजिएगा और उसी से उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चन चाहे इसरो हो, बार्क हो, DRDO, SSC, JEE, IOCL, एकदम डिटो क्वेश्चन ऑप्शन सहित आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, और कुछ एडिशनल टॉपिक भी कवर कीजिए, ठीक है। तो RK जैन RS खुरमी बिल्कुल भूलिएगा मत, RS खुरमी RK जैन। तो चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो दोस्त आपके ज़्यादा पढ़ने में समय बर्बाद कर रहे हैं कि पावर प्लांट IC इंजन पूरा पढ़े में लगे बैठे हैं, तो उनको बोलिए कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ो और जॉब लेकर के चलते बनो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।